रक्षाबंधन की कथा। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में असुरों के राजा बलि ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने राजा बलि से मित्रता की और वचन लिया कि वह उसकी रक्षा करेंगे। राजा बलि के वचन के अनुसार भगवान विष्णु को अपना वचन निभाने के लिए उनके पास रहना पड़ा। भगवान विष्णु के इस निर्णय से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई, क्योंकि वह अपने पति से दूर नहीं रह सकती थी। तब माता लक्ष्मी ने एक युक्ति सोची। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। बदले में राजा बलि ने माता लक्ष्मी से उनकी इच्छा पूछी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा बलि ने उन्हें यह इच्छा पूरी करने का वचन दिया। इस प्रकार राजा बलि ने भाई बहन के इस पवित्र बंधन की मर्यादा को बनाए रखा और रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ। रक्षाबंधन का यह संदेश है कि भाई बहन का संबंध स्नेह और सुरक्षा के धागों में बंधा रहता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन